हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 11, फेबल्स एंड राज। सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द रिवॉल्ट 1857 इन इंडिया। सो लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू द रिवॉल्ट। सो नाउ दिस टॉपिक, दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द रिवॉल्ट 1857। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने तलबदारों को डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है जी, और जो उन्होंने नेक्सेशन की अवध की उसमें उन्होंने कैसे क्या क्या न्यू ऐड किया ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश राज है जो इस्टेब्लिश हो रहा था प्रॉपर वे से। सो इस चैप्टर में हमारे पास अदर रीजन है कि रिलेशनशिप कैसे थे कि जिससे रिवॉल्ट होने की जो पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी, ठीक है, बढ़ रही थी और बढ़ गई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशनशिप बिटवीन द वाइट एंड इंडियन ऑफिसर्स। सो बिफोर 1840 जो रिलेशन थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के इंडियन ऑफिसर्स के साथ बहुत अच्छे थे, फ्रेंडली थे, वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है जी। बट आफ्टर 1815 के बाद है जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, वो इंडियन ऑफिसर्स से डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर करना शुरू कर दिया, ठीक है। वो उनको इन्फीरियर समझते थे, यानी कि उनको अपने लेवल का नहीं मानते थे, वो उनके ऊपर नस्ली टिप्पणियाँ करनियाँ, ठीक है, उनको नीचा दिखाना कि यू आर नॉट इक्वल अबाउट अस, कि हमारे जैसे नहीं हो आप, ठीक है, आप ब्लैक हो। तो बहुत ऐसी मंदी शब्दावली यूज करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। सो धीरे धीरे जो रिलेशन थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के और इंडियन ऑफिसर्स के, वो डे बाय डे खराब होते जा रहे थे, और वो इतने ज़्यादा मतलब कि बिगड़ चुके थे, खराब हो चुके थे कि 1857 है जो रिवॉल्ट है वो सिपियोज ने ही किया, क्योंकि उनका मेन रीजन यही था कि सिपियोज ने जब ये फील किया कि हमारे साथ जो बिहेवियर है वो गलत हो रहा है, इक्वल बिहेवियर नहीं हो रहा, तो उसके चलते हुए उन्होंने अपना जो उनके अगेंस्ट है वो आवाज उठाई और बोलना शुरू कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट एंड स्पियोज। अब यहाँ पे यह बात आ जाती है हमारे सामने कि जो पीजेंट और स्पियोज थे उनमें बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। वो क्यों था? क्योंकि बहुत सारे जो स्पियोज थे वो पीजेंट्री से ही आते थे, यानी कि पीजेंट कम्युनिटी से ही वो रिक्रूट होते थे ब्रिटिश आर्मी। तो इस वजह से जो पीजेंट थे और स्पियोज थे उनके साथ उनके क्लोज रिलेशनशिप होने थे, क्योंकि वो उनके जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर थे। बहुत सारे पर्सन के उनके खुद के मेंबर वहां पे गए हुए थे, ठीक है, उनके रिलेटिव्स थे आर्मी में। सो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि उनके रिलेशनशिप हैं जो उनके बहुत क्लोज थे सिपियोज और पीजेंट के। तो इस वजह से जब सिपियोज ने मूवमेंट स्टार्ट किया, रिवॉल्ट स्टार्ट किया, तो पीजेंट ने आगे बढ़ के उनकी सपोर्ट की। तो बहुत बड़े सपोर्टर थे कौन? पीजेंट थे इस रिवॉल्ट में, सपोर्टर थे जो पीजेंट थे, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट रेबल्स वांटेड। अब रेबल्स ने जो रिवॉल्ट किया था वो उनका मेन मोटिव क्या था, वो क्या चाहते थे, ठीक है जी। सो रिवॉल्ट जो रेबल थे उन्होंने रिवॉल्ट इसलिए किया था क्योंकि वो सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। वो ये चेंज करना चाहते थे कि जो गवर्नमेंट जो रूल कर रहा है उनके ऊपर, या गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो चेंज हो जाए, ठीक है जी। पुराना रूल है जो वो एस्टेब्लिश हुआ है, यानी पुराना टाइम दोबारा से आ जाए। सो दैट्स व्हाई वो देवर अगेंस्ट, देवर इन्वॉल्व इन रिवॉल्ट एंड सपोर्ट रिवॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसे पॉइंट डिस्कस कर देता हूं, बता देता हूं कि कौन कौन से पॉइंट वो चाहते थे जिसकी वजह से उन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। सो प्रोक्लेमेशन ऑफ नोटिफिकेशन वर इश्यूड बाय द रेबल्स लीडर्स, फॉर एग्जाम्पल आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑन 25th अगस्त 1857। सो द रेबल ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इरिस्पेक्टिव कास्ट एंड क्रीड। अब जो रिवॉल्ट थे, जो रेबल थे,
वो ये चाहते हैं कि सोसाइटी के सारे सेक्शन, जितने भी सोसाइटी के सेक्शन हैं, वो सभी उनको सपोर्ट करें, वो उनके साथ मिलकर काम करें, ठीक है जी। और कास्ट और क्रीड के ऊपर वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये कास्ट वाले पर्सन हमें सपोर्ट करें, वो सभी सेक्शन की सपोर्ट वो चाहते थे। वो चाहते थे कि दोबारा से बहादुर शाह जफर है जो इंडिपेंडेंट किंग बन जाए, ठीक है जी। और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको देश से निकाल दिया जाए, दोबारा से बहादुर शाह जफर हैं जो वो यहाँ के रूलर बन जाए, ठीक है जी। एंड द रिलीजन डिफरेंस वर नॉट विजिबल बिटवीन टू कम्युनिटी इन 1857। इट मीन्स यहाँ पे हमें ये नहीं देखने को मिल रहा कि हिंदू अलग हैं और मुसलमान अलग हैं, दोनों ही मिलके यहाँ पे इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट मीन्स रिलीजन डिफरेंसेस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स लोगों में यूनिटी आ गई जब उन्होंने रिवॉल्ट 1857 किया। तो उस टाइम पे लोगों में इतनी ज्यादा यूनिटी दिखाई के उन्होंने सिर्फ उनका टारगेट किया था कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना, उनको ये नहीं था कि हमें अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग या हमें अपनी कम्युनिटी की सुप्रीमेसी चाहिए, हमें अपना रूल चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो रेबलर्स हैं वो अपनी यूनिटी दिखाते हैं कि यूनिटी करके ही हम यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल है उसको खत्म कर सकते हैं। So they condemned the British rule and annexation. They had to carry out the treaties they had broken. Rebels declared the British would not be trusted. The British land settlers or system had dispossessed landlords. तो यहाँ पे जो rebels हैं वो ये कहते हैं कि Britishers के ऊपर हमने trust नहीं करना, विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये विश्वास योग्य person नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने रेबल्स ने जो भी लैंड रेवेन्यू था पीजेंट्स जिमीदारों के ऊपर उनको देने से उन्होंने मना कर दिया, उनको बोला कि आप रेवेन्यू देना बंद करें, ठीक है जी। और फॉरेनर कमर्स हैड बीन रिन्यूड, जो फॉरेनर कमर्स था यानी कि जो बाहर से ट्रेड हो रहा था, फॉरेनर ट्रेड हो रहा था, तो उसको भी खत्म करना चाहते थे। ये खत्म हो गया था, जो अभी आर्टिसंस थे, वीवर्स थे, उनका जो बिजनेस था, ट्रेड था, वो रिन्यूड हो चुका था, यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुका था। सो रेबल वांटेड टू रिस्टोर द प्रीवियस लाइफ, रेबल्स वांटेड द लाइवलीहुड टू बी सिक्योर। इट मीन्स रेबल्स यहाँ पे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं प्रीवियस लाइफ यानी कि पुराना टाइम, कि जैसे ओल्ड टाइम था वैसा ही टाइम दोबारा से आ जाए, हमें वैसा ही रूल चाहिए जैसे कि प्रीवियस रूल था, हमें अदर रूल नहीं चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद वो ये चाहते थे कि उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइवलीहुड है, वो भी सिक्योर हो जाए, उसको भी कोई है जो किसी तरह का रिस्क ना रहे, उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। सो दीज थिंग्स वांटेड बाय द रेबल्स, राइट एवरीबॉडी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द विजन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब यहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उनकी क्या विजन है, ठीक है जी। मैनी प्लेसेस रिलीजियस रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश वाइडेंट इनटू अटैक ऑल दोज हु सीन एज अलाइज ऑफ ब्रिटिश एंड लोकल ऑपरेसर्स। रेबलर्स डेलिब्रेट सॉट टू ह्यूमिलेट द लीड ऑफ सिटल लाइफ, विलेज द बर्नड अकाउंट बुक्स एंड रैनसैक द मनी लैंडर हाउसेस। अब यहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, हर एक सोशल ग्रुप्स की अपनी एक विजन है इस रेबेलियन को लेके, ठीक है जी। वो ये चाहते हैं जो सोशल ग्रुप हैं डिफरेंट पार्ट्स के कंट्री के यानी कि विलेजेस के जो भी उनके ऊपर जिम्मेदार हैं या जो भी एलीट क्लास है जो उनको तंग करती है, उनसे रेवेन्यू लेती है, उनका कर्जा है उसको उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जितना भी रिकॉर्ड था, रिटन रिकॉर्ड था, उसको बर्न कर दिया गया, जला दिया गया। सो ऐसी एक्टिविटी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने की, और दे अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द ट्रेडिशनल हायरार्की, रेबल अगेंस्ट ऑल ऑपरेसर्स, व्हिच प्रेजेंट्स क्लिप्स ऑफ द अल्टरनेटिव विजन ऑफ द एग्लिटेरियन सोसाइटी, ठीक है जी। सोसाइटी के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, वो ये चाहते थे कि हमारी सोसाइटी है जो इक्वल एग्लिटेरियन सोसाइटी यानी कि सभी लोग इक्वल हों, गवर्नमेंट किसी के साथ भेदभाव ना करें। जो हमारे लीडर थे इस रिवॉल्ट के, उन्होंने ऐसी विजन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को दिखाई, तो लोगों ने अपने ऑपरेसर्स जो उनका
जो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था उसको खत्म करना स्टार्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट हो गए वो, ठीक है जी। एंड सच रीजन वर नॉट आर्टिकुलेटेड सो यूनिफाई ऑल सोशल ग्रुप इन फाइट अगेंस्ट द फिरंगी राज। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं जो वो इकट्ठे हुए, वो स्ट्रेंथ हुए और उन्होंने फिरंगी राज के अगेंस्ट है जो फाइट है जो स्टार्ट कर दी, राइट एवरीबडी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिप्रेशन स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश टू क्वेल द अपराइजिंग। अब यहाँ पे जो भी यहाँ तक हमारे पास जो भी रीजन थे रिवॉल्ट को स्प्रेड होने के, सपोर्ट होने के, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए, विच स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिप्रेस द रिवॉल्ट 1857, कि कौन कौन से स्टेप उन्होंने उठाए जिससे उन्होंने इस रिवॉल्ट को है जो रिप्रेस कर दिया यानी कि खत्म कर दिया। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पास अ सीरीज ऑफ लॉ हेल्प टू देम द क्वेल इंसर्जेंसी वाइल मार्शियल लॉ ऑफिसर्स ऑर्डिनेट ब्रिटॉन्स गिव द ट्राई टू पनिश द इंडियन सस्पेक्टेड रेबिलियंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स उठाए जिसमें उन्होंने डिफरेंट लॉज, न्यू लॉज हैं जो वो इंट्रोड्यूस किए, और इन लॉज को इंट्रोड्यूस करने का उनका ये टारगेट था कि जो भी रेपलियन है अगर उस लॉ को वो ब्रेक करेंगे तो उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा और उनको पनिश कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और उसके अलावा उन्होंने मार्शियल लॉ लगा दिया कि कोई भी दो से ज्यादा पर्सन है वो इकट्ठे नहीं हो सकते, तो अगर वो होंगे तो उनको अरेस्ट करके पनिश किया जाएगा। उसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट मिली, जो रिच क्लास थी यानी कि जो जिम्मेदार थे या हम बोल सकते हैं जो उनके ऑफिसर्स थे उनकी भी सपोर्ट मिली, उन्होंने भी जो रिवॉल्ट में के जो कॉमन पर्सन है लीडर उनको सपोर्ट नहीं किया था, इंडियन जिम्मेदार, तो उनकी भी सपोर्ट मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस मूवमेंट को रिप्रेस करने में। तो इसी वजह से ये स्टेप्स उठा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने है जो इस मूवमेंट को है जो रिप्रेस कर दिया, इट मीन्स इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। बहुत सारे जो लीडर्स थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको अरेस्ट करके पनिश किया कर दिया गया या उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ऐसी पॉलिसीज, ऐसे स्टेप्स उठा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिवॉल्ट 1857 है जो वो रिप्रेस कर दिया यानी ख़त्म कर दिया, राइट एवरीबडी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमेज ऑफ रिवॉल्ट। अब इस रिवॉल्ट की क्या क्या इमेज सामने आती है हमारे, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है जो बोला गया। तो स्टोरी ऑफ रिवॉल्ट वर पब्लिश्ड इन द ब्रिटिश न्यूज़पेपर मैगजीन्स गॉरी डिटेल्स वायलेंस म्यूटनीज एंड स्टोरीज इनफ्लेम्ड पब्लिक फीलिंग्स प्रोवोक डिमांड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रिवेंज। वन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ म्यूटिनिटी इज द पिक्टोरियल पिक्चर एंड प्रोड्यूस इंडियन एंड ब्रिटिश। तो ये एक ऐसा रिवॉल्ट है जो हम ब्रिटिश रिकॉर्ड में हमें मिलता है कि जो ये म्यूटिनिटी रिवॉल्ट है जो एक पिक्टोरियल पिक्चर बन के आई सामने कि कैसे रिलेशन थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के अपनी आर्मी के साथ जिन्होंने उनके अगेंस्ट ही ये रिवॉल्ट है जो स्टार्ट कर दिया। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड द थॉमस जॉन्स बेकर इज एन एग्जाम्पल, इट रिप्रेजेंट द सीज ऑफ लखनऊ म्यूटिनिटीज एंड ब्रिटिश हीरोज एंड हैवॉक्स। मेमोरीज पेंटेड द जोसेफ डिपिक्ट द वायलेंस अगेंस्ट द इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर्स हमारे पास सामने आती हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ब्रिटिशर्स थे यानी ब्रिटिश वुमेन थी, चिल्ड्रन थी, जिन्होंने भी इस रिपोर्ट को है जो सही बोला। तो ऐसे रिकॉर्ड हमें मिलते हैं इस रिवॉल्ट के, ठीक है जी। उसके बाद द ब्रिटिश लायन मैसेंजर्स इन द बंगाल टाइगर एंड क्लेमेंसी कैनन द इमेज ऑफ एग्जीक्यूशन इंडियन सोल्जर इन द पेशावर। तो बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर हैं पेशावर में एग्जीक्यूट किए गए उनकी भी इमेज हमारे सामने आती है। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ इमेजेस ऑफ रिवॉल्ट 1857। लास्टली हमारे पास आ जाता है नेशनलिस्ट इमेजरीज, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रिवॉल्ट एक तरह से मोटिवेशन थी, एक तरह सा प्रेरणादायक मैसेज था दूसरे नेशनलिस्ट के लिए
अगर फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है वो इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक तरह से स्प्रेड नहीं हो पाया पूरे इंडिया में, और इसको इतनी जो इसको पॉपुलैरिटी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, इसकी वजह से ये फेल हो चुका था। बट जो नेशनल लीडर हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंस, इन विच पीपल ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी केम टुगेदर टू फाइट द फॉरनर रूल। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिफरेंट सेक्शन हैं जो सोसाइटी के, वो इकट्ठे हुए और वो सामने आए और उन्होंने मिल के है जो इस फ्रीडम स्ट्रगल में है जो पार्टिसिपेट किया, और फ्रीडम स्ट्रगल है जो वो एक ब्रॉड लेवल पे स्टार्ट हुआ आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया। लीडर्स ऑफ रिवॉल्ट वॉर प्रेजेंटेड द हीरोइक फिगर लीडिंग द कंट्री इन द बैटल ऑफ फ्रीडम। तो जितने भी उसके हीरोज थे इस बैटल के, उनकी पिक्चर है एक हीरो की तरह सामने आई, और वो एक हीरो बनके उनकी जो फ्रीडम में उनकी पिक्चर है जो एक एज अ हीरो पेश की गई, रिप्रेजेंट की गई, जिससे उनको बताया गया कि हम ऐसे बैटल है जो रिवॉल्ट की है वो हम जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स, मैनी बुक्स हैव बीन रिटन इन द हाईलाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टी लाइक रानी झांसी, तांतिया टोपे, ये ऐसे पर्सन हैं जिनकी आज भी बहुत इमेज बनाई जाती है। रानी लक्ष्मीबाई वो बहुत एक फ्रीडम फाइटर है जो बोल के याद किया जाता है हिस्ट्री में, जिन्होंने एक औरत होते हुए, वुमेन होते हुए भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट है जो आवाज़ उठाई थी। राइट एवरीबडी, सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 11। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने सारे टॉपिक हैं जो डिस्कस कर लिए हैं। होप करता हूँ आपको ये सारा चैप्टर है जो समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। आपने जो भी इसके नोट्स मैं आपको सेंड करूँगा, वर्कशीट दूंगा, तो आपने उसको भी अच्छे से लर्न करना है, समझना है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।